हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स अमिता मी। सोचो अगर हमको फ्री की चीज़ मिल जाता है तो कितने हम खुश हो जाते हैं। तो आजकल तो सभी चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ फ्री में मिलता है। तो अगर आप प्लांट्स लवर हैं और फ्री के कोई प्लांट्स हमें मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। अगर हम नर्सरी में प्लांट्स लेने के लिए जाए तो परमानेंट पौधे तो 50 रुपये से कम मिलने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर सीजनल पौधे हैं तो हमको तो 20-30 प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट पौधा तो 50 रुपये से ऊपर ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमको भी मिल सकता है फ्री के प्लांट्स, इसलिए हम करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत और कोशिश और थोड़ा सा सब्र। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पौधे जो कुछ महंगे हैं और कुछ सस्ते हैं, और कैसे मैं कोशिश और सब्र से इस पौधे को मैं पाया, तो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो पहले आता है सिंगोनियम के प्लांट। तो मैं किसी पार्क को गई थी फ्रेंड्स, और सारे सिंगोनियम के प्लांट्स वहाँ पे हो रखा था। तो एक कटिंग तोड़ के मैं ऐसे ही ले आई थी और लगा दी थी। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, और देखिए इसके ना बहुत सारे प्लांट में अब मैं रेडी कर चुकी हूँ। बहुत सारे प्लांट है मेरे घर में ये सिंगोनियम का, और इसके देखिए पत्ते किससे खूबसूरत है, और वेरिकेशन ये वाइट वाला का सिंगोनियम प्लांट है। तो आप ये ऐसे ले सकते हैं कहीं पे अगर सिंगोनियम प्लांट हैं तो। और ये ज़्यादातर पार्क में बहुत सारे लगाया हुआ होता है, तो आप पार्क किसी पार्क से या किसी के घर से आप ले सकते हैं एक ही प्लांट। और ये फ्रेंड्स रेड सिंगोनियम के प्लांट है, देखिए पिंक सिंगोनियम है ये। और ये मेरे ननद के घर से मैं लाई थी, एक ही कटिंग लाई थी, लेकिन ये बहुत सारे प्लांट अभी मेरे घर में है। एक ही कटिंग से मैं लगा दी थी और बहुत सारे कटिंग लगा के इसके प्लांट मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा लिखता है, और ये कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है, क्योंकि इसके रूट्स ना कटिंग में इसके स्टेम में लगातार बनता रहता है। तो इससे सिंगोनियम के भी आप कहाँ से आप ला सकते हैं, किसी पार्क या किसी के घर से। और ये फ्रेंड्स क्रोटन की प्लांट है, जो मैं मेरे पापा के घर से कटिंग लेके आई थी और रेत में लगा दी थी इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाता है, थोड़े से एलोवेरा जेल लगा कर या हनी लगा के आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन पाउडर है तो ये भी लगा के आप क्रोटन की प्लांट रेडी कर सकते हैं। और आज देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर प्लांट्स ये रेडी हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है अब। तो आप भी अगर कहाँ पे क्रोटन की प्लांट अगर आपको मिल जाए तो छोटी से छोटी कटिंग आप लेके आइए, और फ्री में आपका एक क्रोटन की प्लांट भी आपका रेडी हो जाएगा। तो ये भी मैं इसे भी मैं कटिंग लेके आई थी और लगाई थी। देखिए इस क्रोटन प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ये भी कटिंग से लग जाता है। तो इसी टाइप का अगर क्रोटन आपको मिल जाए कहीं पर तो आप लगा के देखिए, बहुत अच्छा ये ग्रो हो जाएगा। तो इसकी भी मैं कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स, और ये भी एक वैरायटी का क्रोटन है। तो इस वैरायटी का भी आपको एक प्लांट मिल जाए कहीं पे तो एक छोटी से कटिंग आप लेके आइए और इसे भी लगा दीजिए, तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और छोटी से कटिंग से देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा प्लांट हो गया है मेरा। और थोड़ा सा सेमी लाइट एरिया में आप अगर रखेंगे तो इसके बहुत अच्छी वेरिएशन आता है इसका। तो ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा क्रोटन की प्लांट। तो इसी तरह ये भी मैं कटिंग से लगाई थी, ये क्रोटन के ये एक वैरायटी का है, तो ये भी आप लगा सकते हैं इस टाइप का अगर क्रोटन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स ये है एरेंथिमम की प्लांट है, और ये एरेंथिमम की प्लांट देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा दिखता है, ये कटिंग से लग जाता है। और ये अगर कहीं पे इसका प्लांट मिल जाए ये तो ज़्यादातर पार्क में लगा रहता है, और इसके छोटी से छोटी कटिंग भी आप अगर लेके आइए और अपने घर में लगा दीजिएगा तो इसके बहुत अच्छा प्लांट ये आपका रेडी हो जाएगा फ्री में। तो ये भी मैं एक पार्क से लेके आई थी एरेंथिमम का प्लांट, और छोटी से छोटी कटिंग लेके आई थी, और देखिए कितना अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है अभी। तो आप भी लेके आइएगा ये प्लांट्स। तो इसी तरह ये भी एरेंथिमम के एक दूसरी वैरायटी है, ये भी मैं कटिंग लेके आई थी मेरे नाना जी के घर से, और इसके भी कटिंग लगा दी थी, और ये अच्छी ये वेरिकेशन अच्छा होता है इसी पत्ते का। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी मेरा फ्री का प्लांट हो गया है एरेंथिमम का। अगर ये नर्सरी में तो 20-30 रुपये में मिल जाता है, लेकिन हम अगर फ्री में मिल जाए तो क्यों लेके नहीं आएंगे।
तो ये भी मैं एक फ्री से प्लांट रेडी कर ली हूँ एनथीमम का दो प्लांट। और ये है फ्रेंड्स एरेलिया की प्लांट है, ये मेरे पापा के घर से मैं कटिंग लेके आई थी और लगाई थी। कितने अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है और नर्सरी में इसका तो 20-30 रुपए में उससे ज़्यादा एरेलिया की प्लांट मिलता है, 50 रुपए से कम नहीं मिलेगा एरेलिया का। तो एरेलिया की प्लांट अगर आपको मिल जाए कहीं पे, अगर छोटे से कटिंग आप लेके आएगा तो आपके ना फ्री में आपका एरेलिया की प्लांट आपका आपके घर में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री में हुआ है फ्रेंड्स और इसके एक भी रुपया मुझे नहीं देना पड़ा है, ये सब फ्री में प्लांट हुआ है मेरा। और इसको थोड़ा सा पिंचिंग हम करते रहेंगे तो ये बूसी लुक हो जाएगा, बूसी लुक दे देता है। ये हाइब्रिड वेराइटी का एरेलिया की प्लांट है। और ये फ्रेंड्स संजीजिया की प्लांट है, ये मैं पार्क से एक जू में गई थी मैं और वहाँ पे हुआ था तो एक कटिंग में चुरा करके ले आई थी और लगाई थी कटिंग और बहुत अच्छा ये चल गया है। और ये बहुत अच्छी वैरायटी का प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स इसकी वेरिएशन बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत दिखता है। और ये तो नर्सरी में मैं पूछी थी तो 50 रुपये में ये मिल रहा था, तो ये बिल्कुल मुझे फ्री में मिल गया है और कटिंग से मैं रेडी कर ली ही। तो इसी तरह से हम अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत सारे प्लांट हमारा घर में हो जाएगा, हम कहाँ पे अगर मिल जाए तो हम कटिंग लेके हम ला सकते हैं और लगा भी सकते हैं अपने घर में। और इस प्लांट को तो आप फ्रेंड्स जानते ही होंगे, तो ये मैं कटिंग लेके आई थी, ये भी कटिंग से मैं रेडी की हूँ, मैं नर्सरी से नहीं ख़रीदी हूँ। और इसके पत्ते की वेरिएशन देखिए बहुत अच्छा लगता है, तो ये ब्यूटीफुल प्लांट हमको तो 50 रुपए से कम में नहीं मिलने वाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से मैं कटिंग से रेडी कर ली हूँ और इसकी ग्रोथ भी अच्छा है। तो बीच बीच में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत होता है, फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है मेरा, देखिए फ्रेंड्स। और ये स्नैक प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स स्नैक प्लांट मेरे एक भैया ने मुझे दिए थे, वो कहीं पार्क से लेके आए थे और मुझे थोड़े से ही प्लांट दिए थे, एक ही एक दो पत्ते थे शायद, तो ये लगा दी थी। और मेरे घर में अभी स्नैक के प्लांट बहुत सारे हो गए हैं और ये छोटे छोटे पॉप तो निकलता रहता है, तो इसी पॉप से आप नए नए प्लांट आप बना सकते हैं। और स्नैक प्लांट तो 50 रुपए से भी कम नहीं मिलने वाले नर्सरी में। तो ये मेरा देखिए फ्री का प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये येल्लो पे ग्रीन कलर का वेरिएशन होता है और देसी वैरायटी का भी स्नैक प्लांट होता है। तो कहीं पे आप अगर स्नैक प्लांट मिल जाए तो ज़रूर लेके आएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स एरेलिया की देसी वैरायटी है, ये भी मैं फ्री से कटिंग लेके आई थी और लगा दी थी, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा और ये बहुत अच्छा दिखता है, गोल्डन कलर का होता है पत्तों के कलर। तो ये भी आप कटिंग लेके आएगा और फ्री का रेडी कर लीजिएगा प्लांट्स। और ये वैरायटी का एरेलिया की प्लांट है, ये भी मैं कटिंग लेके आई थी और ये ना 50 रुपये मिलता है नर्सरी में और ये बहुत आसानी से चल जाता है इसकी कटिंग। तो कहीं पे अगर पार्क में या कहीं किसी के घर में अगर आपको ये कटिंग मिल जाए, इसके प्लांट मिल जाए तो कटिंग लेके आइए, छोटे से छोटे कटिंग भी इसका चल जाता है, थोड़ा सा रेत में लगा कर देखिएगा और बहुत अच्छा ये ग्रो करता है। तो ये भी मेरा एक फ्री का प्लांट है और एरेलिया के प्लांट आपका भी फ्री का हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप अगर कटिंग आप कहीं से लेके आएगा तो हो जाएगा आपका। और ये फन का प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ननन की घर से मैं लेके आई थी, छोटे से एक दो पत्ते थे और मैं लेके आई थी और लगा दी थी और बहुत सारे ये प्लांट पत्ते हो गया है, इसके छोटे छोटे पॉप निकलता रहता है, छोटे छोटे प्लांट्स इसका नीचे होता रहता है। तो आप बहुत सारे प्लांट आप इसे फन के प्लांट से आप रेडी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्लांट इसका रेडी हो गया है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स। और इसी प्लांट से आप नए नए प्लांटर में आप रेडी कर सकते हैं फन के प्लांट। तो अगर आपको कहीं पे अगर फन के प्लांट मिल जाए तो इसके नीचे से छोटे छोटे छोटा छोटा प्लांट निकलता रहता है, तो वही छोटे से प्लांट आप ले आइए और अपने घर में लगा दीजिए तो बहुत सुंदर से ये रेडी हो जाएगा, आपके फ्री का प्लांट हो जाएगा। और ये देखिए टेंगल हार्ट की कटिंग प्लांट्स है मेरा, हैंगिंग प्लांट है और मेरे एक बड़ी माँ के घर में गई थी और उनके नेवर ने लगाए थे ये इस प्लांट, तो मैं बिना झिझकते हुए ये कटिंग मैं उनको मांगी थी
तो वो बहुत सारे कटिंग दे रहे थे मुझे, और बहुत सारे कटिंग से मैं बहुत सारे प्लांट्स भी रेडी कर ली हूँ इस टाइम। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके, तो आप बिना झिझकते आप एक प्लांट से या कटिंग मांग सकते हैं अपने नवर से, या कहीं पे आप अगर गए हैं और इस प्लांट को लगाए हैं तो आप ज़रूर मांगिएगा एक कटिंग, और एक कटिंग से आपका बहुत सारे प्लांट इसका रेडी हो सकता है। तो ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है, और ये नर्सरी से 40-50 रुपए में मिलता है हैंगिंग प्लांट। तो ये मेरा बिल्कुल फ्री का प्लांट है फ्रेंड्स, आप ये रेडी कर सकते हैं कहीं पे ला के। और ये फ्रेंड्स मदर 1000 की प्लांट है, और ये मैं किसी के घर से मैं लेके आई थी। बहुत सारे इसके ना पत्ते में छोटे छोटे ऐसे प्लांट निकलता रहता है, तो ये जहाँ पे गिर जाता है ना बहुत सारे प्लांट इसका रेडी हो जाएगा। तो कहीं पे मैं लेके आई थी इसके, शायद इसके छोटे छोटे प्लांट वहाँ पे गिरा था, बहुत सारे प्लांट उसका रेडी हो गया था, तो उखाड़ के ले आई थी एक दो प्लांट। तो मेरे पास अभी बहुत सारे प्लांट है, सेंचुरी प्लांट है, तो मदर 1000 प्लांट है सॉरी। तो आपके फ्री में मिल जाएगा ये प्लांट। और ये देखिए मैं पर्पल हार्ट की प्लांट है मेरा, ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है। मेरी बेटी का एक फ्रेंड की मम्मी ने मुझे दिए थे, एक छोटे से कटिंग दिए थे, लेकिन अभी मेरे घर में बहुत सारे ये प्लांट है। इसके बहुत सारे कटिंग से मैं बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर चुकी हूँ, और इसके देखिए छोटे छोटे फ्लावर भी निकलता रहता है। तो ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है मेरा। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है, और ये तो कटिंग से लेके आई थी, एक कटिंग कहीं पे किसी के घर में गए थे और लगाए थे, तो कटिंग लेके आई थी छोटे से छोटे कटिंग, तो ये मैं लगा दी थी। और ये मेरा बहुत सारे प्लांट है अभी इस टाइम में, तो इसके सीड्स भी निकलता रहता है और इसके कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाता है। और ये आलमंडा के प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स ये कटिंग से लगाई थी, और वो किसी के घर में लगाए थे और बाहर तक निकल आया था, तो छोटी छोटी कटिंग इसका मैं लेके आई थी और इसे लगा दी थी फ्री में, और बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो आलमंडा का प्लांट्स भी आप कहीं पे लाए तो आप लगा सकते हैं। और ये भी एक कटिंग लेके आई थी, और देखिए फ्रेंड्स इसके कलर ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कलर का फ्लावर्स में खिलता है, और ये बिल्कुल फ्री का कटिंग है। ये मेरा पापा के घर से मैं लेके आई थी, बहुत छोटे से कटिंग में लेके आई थी और लगाई दी थी रेत में, और यहाँ पर इस टाइम देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा ये प्लांट हो गया है और फ्लावर भी खिलने वाला है। तो ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है मेरा, इसमें एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है मेरा। और ये कनियर की प्लांट है, देखिए कनियर की प्लांट तो रोड साइड में मैं लेके आई थी, रोड साइड में लगाया हुआ था इसको, और थोड़ा सा कटिंग में लेके आई थी और लगाई दी थी, तो ये बहुत अच्छा तरह से ग्रो हो जाएगा जल्दी से। और रेत में आप लगाएगा थोड़े से रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा की जेल लगा के, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। तो कनिया की प्लांट पे अगर आपको कहाँ पे मिले तो कटिंग लेके आइए और फ्री का प्लांट कर दीजिए कनियर का। और फ्रेंड्स ये है हिबिस्कस का प्लांट है ये, और ये मैं बिल्कुल फ्री के कटिंग से लगाई थी, मैं बिल्कुल फ्री का प्लांट है मेरा, और ये पिंक कलर का फ्लावर खिलता है, तो कहीं पे ये मैं कटिंग लेके आई थी और लगा दी थी। तो ये मेरा बिल्कुल फ्री का परमानेंट प्लांट है मेरा, फ्लावरिंग प्लांट है। तो हिबिस्कस का भी कटिंग लग जाता है फ्रेंड्स, आप लेके आ सकते हैं। और ये मॉस रोज का प्लांट है, ये तो मैं कभी भी नहीं खरीदती, और कहीं पे अगर मिल जाता है तो कटिंग लेके आती हूँ और लगा देती हूँ किसी भी कलर से। और ये पिंक एंड हाइब्रिड कलर का है, ये मैं कटिंग लेके आई थी और लगा दी थी। अभी मेरे पास बहुत सारे है, बहुत सारे प्लांट मैं रेडी कर चुकी हूँ, इसमें 2-3 कटिंग लेके आई थी और बहुत सारे प्लांटर मैं बना करके रेडी कर चुकी हूँ। तो इसी तरह आप बहुत सारे फीके प्लांट्स आप रेडी कर सकते हैं। और ये कलंजुई की प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स ये कलंजुई की प्लांट भी अगर आप कटिंग लेके आएंगा तो बहुत जल्दी आप ये इसका प्लांट हो सकता है आपका। और ये स्पाइडर प्लांट, ये भी मैं लेके आई थी मेरे नाना जी के घर से, एक ही प्लांट लेके आई थी और बहुत सारे प्लांट इसका रेडी हो गया है इस टाइम में। और इसके देखिए छोटे छोटे रनर भी निकलता रहता है, और उसी रनर से बहुत सारे प्लांट भी निकलता रहता है रूट के साथ, तो बहुत सारे प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है मेरा देखिए। और स्पाइडर प्लांट आपको कहाँ से मिल जाए तो जल्दी आप लेके आ जाएगा घर पर, और बहुत सारे प्लांट इसका रेडी करके आपके घर को सजा सकते हैं बिल्कुल फ्री में।
और ये कोलियस की प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स ये भी फ्री का कटिंग है, मेरा प्लांट है और कटिंग लेके आई थी और लगा दी थी। और इसी कोलियस के प्लांट अब इस टाइम में मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी का है और ये बिल्कुल फ्री का है, मैं नर्सरी से नहीं ख़रीद के लाई हूँ या इसको। और कोलियस तो मैं कभी भी नर्सरी से नहीं ख़रीदती, कहीं पे अगर मिल जाता है तो एक छोटी से कटिंग लेके आती हूँ और लगा देती हूँ। और ये दूसरे वैरायटी का कोलियस है, एक ये एक वैरायटी का है और दूसरे वैरायटी का वो वाला है, तो बहुत सारे कोलियस मैं लगाई हूँ। और ये बैकबोन की प्लांट है, ये तो मैं किसी पार्क से मैं लेके आई थी और छोटे से कटिंग में लेके आई थी और बहुत सारे प्लांट इसका रेडी हो गया है। तो ये बिल्कुल फ्री का प्लांट है, नर्सरी में तो ये 20-30 रुपए में मिल जाता है, लेकिन मैं ये बहुत बहुत बढ़िया ये फ्री में मिल गया है मुझे। तो आप ये इस प्लांट को भी फ्री में आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये मेरा है सेंसिब्रिया का प्लांट है, और सेंसिब्रिया का प्लांट देखिए फ्रेंड्स ये भी मुझे फ्री में मिला है, और थोड़े से प्लांट्स में लेकर आई थी किसी के घर से, और बहुत ज़्यादा ये प्लांट अब मेरे घर में है, इसके छोटे छोटे पॉप निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स इसका हो जाता है। और आप डिवाइड करके आप बहुत ज़्यादा प्लांटर में लगा सकते हैं इसको। तो ये भी मेरा एक फ्री का प्लांट है, तो सेंसिब्रिया या स्नैक प्लांट एक ही वैरायटी का होता है, तो कहीं पे अगर मिल जाए तो इसके छोटे से पॉप आप लेके आएगा और लगा दीजिएगा अपने घर में, तो बहुत सारे प्लांट इसका रेडी हो जाएगा फ्री में, एकदम फ्री में मिल जाएगा आपको। और ये है मनी प्लांट के, मनी प्लांट है तो ये भी कटिंग लेके आई थी किसी घर से, नेवर्स की घर के घर से छोटे से कटिंग लेके आई थी, और मेरे बहुत और मेरे पास अभी बहुत सारे मनी प्लांट हो गया है मेरे घर में, बहुत और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अगर कहीं पे अगर मनी प्लांट आपको मिल जाए तो बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं एक प्लांट को, तो मनी प्लांट भी एक फ्री का प्लांट है मेरा देखिए। और ये फ्रेंड्स मेरा अमर लिली का प्लांट है, ये बल्ब लेके आई थी फ्री में, तो देखिए अभी मेरा पास ना बहुत सारे अमर लिली के प्लांट हो गया है, और ये भी फ्री में मैं बिल्कुल फ्री में बनाई हूँ। और नर्सरी में तो इसका प्राइस बहुत होता है, 20-30 रुपए से भी ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल फ्री में ये मैं प्लांट्स रेडी कर चुकी हूँ। और ये बटरफ्लाई की प्लांट है देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैं बल्ब लेके आई थी मेरे बहन के घर से, और देखिए फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छा फ्लावर भी खिलता है, और ये भी मेरा फ्री का प्लांट है। तो बहुत सारे फ्री का प्लांट मैं ऐसे ही की हूँ बिना नर्सरी में जाके, तो आप भी बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं फ्री में। और ये है फ्रेंड ड्रेसिना के प्लांट है, ड्रेसिना का प्लांट ये मैं कटिंग लेके आई थी मेरे नाना जी के घर से और लगाई थी, बहुत अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है, ये कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है, और नर्सरी में इसकी 60-80 बहुत ज़्यादा रुपया होता है, 100-150 में मिलता है नर्सरी में। तो ये मैं बिल्कुल फ्री में बनाई हूँ मेरे घर पर, और बहुत सारे ड्रेसिना का प्लांट इसी तरह मैं रेडी की हूँ, बहुत वैरायटी का और कटिंग से लगाई हूँ। कहीं पे अगर ड्रेसिना का प्लांट मुझे मिल जाता है तो एक छोटी से छोटी कटिंग लेके आती हूँ और मेरे घर में रेडी कर लेती हूँ उसके प्लांट। और ये देखिए फ्रेंड्स चंपा के प्लांट है रेड कलर का, ये कटिंग लेके आई थी और कटिंग लगाई थी, और अब देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा प्लांट हो गया है मेरा, और ये इसके पत्ते की वेरिएशन एंड फ्लावर्स की कलर बहुत अच्छा लगता है, और ये नीचे लगाया हुआ है एक छोटी से कटिंग से, देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा प्लांट हो गया है मेरा। और ये भी नर्सरी से बहुत ज़्यादा रुपये में मिलता है, 300-400 रुपये में इसका प्लांट का प्राइस होता है, लेकिन मैं बहुत फ्री में बिल्कुल फ्री में इसको मैं बनाई हूँ, रेडी की हूँ इस प्लांट को, तो आप भी कर सकते हैं। और ये फाइकस की प्लांट है, ये कहीं पार्क से मैं लेके आई थी एक छोटी सी कटिंग, और मेरे फाइकस का प्लांट देखिए बिल्कुल फ्री में ये बन चुका है, और ये एक भी रुपया मेरा खर्चा नहीं हुआ इस प्लांट के लिए। तो इसे अगर फाइकस ये तो पार्क में लगा रहता है, तो इसे आप एक कटिंग लेके आएगा और आपके घर में लगा के देखिएगा, बहुत आसानी से ये चल जाता है। और फाइकस की अगर किसी भी वैरायटी आपको मिल जाए किसी पार्क में तो आप बना सकते हैं इसके फ्री के प्लांट, तो ये भी मेरा एक फ्री के प्लांट है फ्रेंड्स देखिए।
और ये देखिए लेमन ग्रास का प्लांट है, मेरा फ्री का प्लांट है और नर्सरी में तो ये 20-30 या 40-50 रुपए में मिलता है, लेकिन ये मैं छोटी सी एक पौधा लेके आई थी और बहुत सारे इसके पॉप्स निकलता रहता है तो बहुत ज़्यादा ये बूसी हो गया है इस टाइम में। और ये तो बहुत सारे घरों में लगा रहता है, तो अगर कहीं पे आप घूमने गए हैं और किसी के घर में है तो आप लगा सकते हैं, लेके आएगा। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है, ये किसी के घर में लगाए थे और छोटी से कटिंग में लेके आई थी और बहुत अच्छी तरह से ये अब चल रहा है। बहुत सारे इसकी कटिंग में रेडी कर चुकी हूँ, प्लांट्स भी रेडी कर चुकी हूँ और ये देसी वैरायटी का है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप बिल्कुल फ्री में एक भी रुपया बिना खर्च किए, आप थोड़ा सा सब्र रख के और कोशिश करके आप बिल्कुल फ्री में आप प्लांट सब रेडी कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत हरा भरा कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप एक अच्छे से गार्डन बना सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं कुछ नए प्लांट्स के साथ। चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।